हेलो फ्रेंड्स, आज 7 दिसंबर है। 7 दिसंबर को इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे मनाया जाता है। इस दिन को पहली बार सन 1994 में बनाया गया था, जो कि 50वीं एनिवर्सरी थी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन की। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन को शिकागो कन्वेंशन भी कहा जाता है। इस दिन स्थापना हुई थी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की, जिसे ICAO के नाम से भी जाना जाता है। ICAO एक UN की स्पेशलाइज एजेंसी है, जो इंटरनेशनल एयर ट्रेवल को कोऑर्डिनेट करती है और नियम बनाती है एयर स्पेस, एयरक्राफ्ट रजिस्ट्रेशन, सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। 7 दिसंबर 1944 को शिकागो कन्वेंशन को 52 देशों ने साइन किया था। 1996 में UN असेंबली ने 7 दिसंबर को इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे बनाने की घोषणा की थी। इस दिन को मनाने का उद्देश्य ये था कि दुनिया में सामाजिक और आर्थिक विकास में विमानों का क्या रोल है, उसको हम याद कर सकें। की पॉइंट्स फॉर एग्जाम: पहली फ्लाइट दो देशों के बीच में 7 जनवरी 1785 में उड़ी थी, जो कि इंग्लिश चैनल को क्रॉस करने के लिए थी बाय हॉट एयर बैलून। एविएशन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट World War I के दौरान हुआ था। 1917 में चॉक्स ओशन एयरवेज पहली एयरलाइन कंपनी थी जिन्होंने रेगुलर इंटरनेशनल सर्विस चालू करी थी थ्रू सी प्लेन्स फ्रॉम फ्लोरिडा टू बहामास। उसके बाद 1919 में रेगुलर इंटरनेशनल पैसेंजर एयर सर्विस स्टार्ट की गई थी बाय एयर ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवल लिमिटेड ATNT फ्रॉम लंदन टू पेरिस। आफ्टर World War II इंटरनेशनल कॉमर्शियल फ्लाइट को रेगुलेट करने के लिए एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, जिसका नाम था इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA, और इसके साथ में ICAO भी काम करती थी। फ्रेंड्स, 7 दिसंबर को आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे भी मनाया जाता है। इसके लिए हमने सेपरेट वीडियो बनाई है, आप चाहें तो हमारे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।